दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कल रात को हम लोग को न्यूज़ में मिला था कि टिकटॉक प्लस टोटल 59 ऐप्स को ऑफिशियली इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो भी ये वीडियो में मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्यों बैन कर दिया गया है, और जिन लोग को पता नहीं और यूज़ कर रहे थे टिकटॉक या फिर इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। तो ये वीडियो में पूरा हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके उसको देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल रात को हम लोग को एक न्यूज़ मिला है कि टोटल 59 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। सो इसमें बहुत बड़े बड़े ऐप्स भी शामिल है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, जैसे कि टिकटॉक है, इसके बाद पबजी, शेयर इट, इसके बाद कैम स्कैन स्कैनर, इस टाइप का बहुत सारे ऐप्स इंडिया में इंस्टॉल हो रहे थे और इंडिया में यूज़ कर रहे थे सब लोग। बट सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो टेक्निकल टीम जुड़ा हुआ है, वो ऐसा क्या R&D करके निकाला जिस वजह से ये 59 जो ऐप्स है उसको बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो हम लोग को बहुत सारे परमिशंस के लिए पूछते हैं, जैसे कि लोकेशन परमिशन, इसके बाद डेटा परमिशन, इसके बाद बहुत सारे पर्सनल परमिशन, कैमरा, वीडियो, फाइल सिस्टम, बहुत सारे परमिशन मांगते हैं और हम लोग बिना जाने उसको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को एप्लीकेशन किसी भी हाल में यूज़ करना रहता है। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो एप्लीकेशन में हम लोग परमिशन अलाउ कर रहे हैं वो एक्चुअल में किस वजह से परमिशन लिया जा रहा है और उसका एक्चुअल में क्या मिसयूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे इस टाइप का जो भी ऐप्स है, जो टिकटॉक, पबजी, इस टाइप के जो भी ऐप्स है, उसमें क्या होता है, आपको जैसे आप इंस्टॉल करते हो आपको बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं, आपका फाइल सिस्टम, वीडियो, कैमरा, इसके बाद आपका लोकेशन, इस टाइप का बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं। तो जनरली चाइना में क्या करते हैं वो लोग, जैसे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोई परमिशन दिया, तो बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकल के फिर उनके डेटाबेस में वो स्टोर कर लेते हैं। तो अब ये उन लोग बहुत ही मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका कोई पर्सनल डेटा चुरा के कोई मिसयूज़ कर सकता है, कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चुरा के कुछ चोरी का, थेफ्ट का कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उन लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग नहीं जानते, हम लोग वैसे ही अलाउ कर देते जो भी एप्लीकेशन कुछ भी पूछते हैं। तो अभी भारत सरकार के साथ जो भी टेक्निकल टीम जुड़ा हुआ है, वो टेक्निकल टीम ऐसा सब कुछ देख के उनको पता चला कि वैसे भी अभी इंडिया चाइना बॉर्डर में बहुत ज़्यादा इतना वॉर चल रहा है, तो इस वजह से भी चाइना में और ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी मिला के इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और जो इंडिया में कल्चर नहीं है वो कल्चर फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखोगे जो कल्चर पहले चल रहा था इंडिया में, और अभी जो टिकटॉक आने के बाद जो कल्चर चालू हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब जो कल्चर हम लोग को दिखाया जा रहा है टिकटॉक में, हमको देखने को मज़ा आता है, बट एक्चुअल में वो कितना नुकसान है और वो कितना हम लोग के इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है वो हम लोग नहीं समझ पाते। तो इसका मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाया था जिसमें मैं आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि टिकटॉक को ज़रूर अनइंस्टॉल कीजिए, या फिर सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, जितने भी चाइनीज़ ऐप्स है जो फ्रॉड जैसे काम करते हैं, डेटा चुराते हैं, तो इसको अनइंस्टॉल क्यों करना चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो के लिंक में भी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं दे दूंगा जिसमें आप क्लिक करके जितने भी आपके मोबाइल में ऐप्स है वो आप सर्च कर सकते हो कि कौन से चाइना ऐप्स है और कौन से इंडियन ऐप्स है और कौन से दूसरे कंट्री के ऐप्स है, तो आप इजीली चाइना वाले जो भी ऐप्स है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जो मैं 59 ऐप्स के बारे में बोल रहा हूँ उसमें से जितने भी मतलब नाम है उसका लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप देख सकते हो कौन से ऐप्स ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, पर्सनल डेटा सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं मिला के फिर भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है। तो अभी जिन लोग भी ये ऐप्स को यूज़ करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जल्दी से जल्दी
अनइंस्टॉल कर दीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी जो भी जिनको पता नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट उनको ये पता नहीं जो डेटा हम लोग खर्चा करते हैं, जो डेटा हम लोग मोबाइल में टिकटॉक के लिए या फिर किसी और पबजी के लिए जो खर्चा करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, वो उससे जो पैसा चाइना को मिल रहा है, वही पैसा उनको मतलब उनके सोल्जर को जा रहा है, और उनके सोल्जर हम लोग का जो इंडियन सोल्जर है उनको आर्मी को मतलब इतना फाइट हो रहा है, इतना वर हो रहा है और उनको झेलना पड़ रहा है। तो हम लोग एज एन इंडियन, हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इंडियन आर्मी का साथ दे, भले ही जंग में नहीं बट यहाँ पे घर पे बैठ के भी मोबाइल में भी हम लोग साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये जंग अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल जंग हो गया, मतलब जो डिजिटल वॉर बोलते हैं एक तरह से उस तरह से वो हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो लास्ट 2-3 महीने में पबजी टिकटॉक यूज़र्स थे वो बहुत ज़्यादा अभी डिक्रीज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो चाइना ऑलरेडी बहुत लॉस में है, तो चाइना ऑलरेडी लॉस में है, तो उनको पता चलेगा कि जो डिजिटल में स्ट्रेंथ है, जो डिजिटल में ताकत है, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो के थ्रू यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, अगर इसमें से कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करके रखे हो आपके मोबाइल में, इसको ज़रूर अनइंस्टॉल कीजिए। खाली ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए या फिर इंडिया के लिए नहीं, या आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो या फिर यूज़ करते हो या फिर कोई भी चाइना ऐप यूज़ करते हो बिना जाने और परमिशन दे, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका बैंक थेफ्ट हो सकता है, आपका पूरा जो बैंक में अकाउंट में जो आपका पैसा है सब मतलब गायब हो सकता है। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सजेशन देता हूँ कि सब ऐप आप अभी सब अनइंस्टॉल कर दीजिए, बी ए रेस्पॉन्सिबल इंडियन। एंड आज के ये वीडियो में मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।